One second. थैंक यू सो मच, आपकी स्माइल बहुत इंफेक्शियस है। मैं ये बोलना चाहूंगी कि आपके फिल्म के ट्रेलर को काफी पसंद किया जा रहा है, सॉन्ग्स को भी काफी पसंद किया जा रहा है। सो आपको अभी तक अपनी फिल्म को लेकर क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं और किस मिले हैं? सबसे अच्छा जो पोस्टर आया तो सबका ये था, क्या क्या लुक है यार, क्या लग रही हो यार, और उसे इट्स वेरी कैची, जय मम्मी दी। तो अक्सर हमने जय माता दी सुना है, तो द सेम थिंग जय मम्मी दी, बिकॉज मम्मियों के आसपास रिवॉल्व करती है कहानी। तो उनको समझ आ गया था, और सबसे ज़्यादा हंसी की बात ये लगी थी कि ये मम्मियाँ तुमको क्यों डर रही हैं और वो अलग अलग करके जा रही हैं। दिस इज वेरी कोकी फनी। और उसके बाद जब ट्रेलर देखा तो एवरीबडी इज़ लाफिंग एंड एवरीबडी इज़ लाइक यार वी आर जस्ट गोना गो एंड वॉच विद आवर मॉम्स। एंड माई मॉम वॉज लाइक कि यार ये तो बहुत अच्छी लग रही है, हम जाके जरूर देखेंगे। देन द सॉन्ग्स लेम्बोर्गिनी, मम्मी नू पसंद नहीं, इवन दैट सैड सॉन्ग दरियागंज, बहुत सारे मिलियन व्यूज हुए, तो काफ़ी लोग बना रहे हैं वीडियोज। एंड दिस ऑल लव एज ए, जो उन्होंने पहले भी बहुत इतना प्यार दिया है वो दिख रहा है कि अभी भी दे रहे हैं। बहुत सारे, बिकॉज मतलब बहुत ही, ऑफकोर्स मेरे लिए सबसे मतलब ये रहा है कि आप बहुत डिफरेंट लग रहे हो, आपको पहले कभी ऐसा देखा नहीं है, यू नो मेरा जो किरदार है। बट आई थिंक मेरा सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मेरी मम्मी से ही आया है, जिन्होंने जब वो सॉन्ग देखा मम्मी नू पसंद, तो शी इज़ लाइक यू आर लुकिंग सो क्यूट, जस्ट लाइक अ छोटी सी बच्ची लग रही है। तो मेरे लिए वो बहुत बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था, सारे हज़ारों लाखों कॉम्प्लीमेंट जो सोशल मीडिया पर है उससे बेस्ट वॉज मेरी मम्मी का कॉम्प्लीमेंट ओनली। और उन्होंने ये टैगलाइन दी है, और ये इतना खोखी था, और जब मैंने सुना कि ये फिल्म का नाम है, मैं हंस पड़ा। मैंने रहे तो सही है यार, दिस वर्क, और मतलब ये वाली चीज़ें कोई सोचता नहीं है, बट ये क्रैक कर ली है और काफ़ी वर्क करती हैं ऐसी चीज़ें। एंड इट अगेन क्रिएट्स दैट कनेक्टिविटी विद द ऑडियंस एंड द मासेस, और इनसे मॉम्स काफ़ी कनेक्ट हो रही हैं, जिन जिन जो भी मेरी आंट्स हैं, जिनसे भी मिलता हूँ, तो दे वॉन्ट टू वॉच दिस, बिकॉज द टाइटल इज इन द हेड। और उन सबको लगता होगा कि तो हमारे लिए फिल्म बनी है, जैसे मैं तो अपनी मम्मा को बोलती हूँ, मम्मा ये आपके लिए है, दिस इज़ माई ट्रिब्यूट टू यू, सो यू नो वॉच इट। एक्चुअली पहले इसका नाम जय माता दी था, फिर उन्होंने जय मम्मी दी किया फॉर द ऑब्वियस, बट आई थिंक ये बहुत ही एक अच्छी रिस्पेक्ट भी है, बिकॉज यू नो जय माता दी एज इंडियंस वी ऑल लाइक रियली हैव फॉन्ड मेमोरीज, और हमारी एक अलग ही शिद्दत है उस जयकारे के लिए। लेकिन भगवान, मतलब इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं, माँ रियली भगवान समान होती है, एंड दिस इज इन द ट्रू सेंस उनको एक ट्रिब्यूट देना कि आप ही हमारी माता हो, तो यू नो इट्स दैट। जब आपको ये फिल्म ऑफर किया गया, सो पहला थॉट क्या आया था इस फिल्म? पहला थॉट, आप इस फिल्म के पार्ट कैसे बने? मेरा थॉट होने से पहले मुझे दी गई फिल्म तो बेसिकली लव सर का फोन आ जाता है, एंड ही कॉल्ड मी, इज लाइक कम टू द ऑफिस, एंड देयर वी मेट नवजोत गुलाटी, एंड ही सेड this is a film, and so I said thank you so much sir, and that was, this is my I think second solo, but I was very happy with the concept because we have seen this around you and I've lived this life somewhere. So ye tha ki love sir ki wajah se hi hai, pehle bhi jo picture aayi hai ye bhi, aur when I met Sonali there was a surprise, but I was very happy that she is there. To ye pata tha ki koi na koi jankar hi hoga saath mein जिनको मैं जानता हूँ काम किया, एंड आई वाज वेरी हैप्पी, देन इट वाज लाइक द रीडिंग्स हु योर, फिर पिक्चर खत्म हुई और हम यहाँ। मेरा इट वाज मतलब इट वाज लाइक सिमिलर ऑफिस, आज मुझे पता था ये है और हम गए, बट मेरा जो एक जेन्युइन सी, पहले ऑफ कोर्स एक एसोसिएशन है, लवसर की फिल्म है, तो आप ऑटोमेटिकली आप जानते हो कि आपको करनी है और वो आपका बुरा तो नहीं करेंगे, सो यू नो दैट अगर उन्होंने कुछ ऑफर किया है, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू समवेयर एंड एनहांस योर करियर। बट जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी पहली बार, हमने साथ में ही वो नरेशन जब नवजोत ने दी, वो सुनने के बाद द कॉन्फिडेंस वॉज मोर, आई वॉज लाइक दिस इज एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्ट टू डू, एंड एज मतलब पर्सनली मैंने कोई भी ऐसा रोल मुझे अभी तक मिला नहीं था जिसमें आई कैन एक्सप्लोर कि यार मैं देसी लड़की का भी रोल कर सकती हूँ, नो आई हैव ऑलवेज गॉटन ग्लैमरस पार्ट्स या
मतलब अर्बन मॉडर्न गर्ल एंड बिकॉज ऑफ अ सर्टेन बैकग्राउंड, तो मुझे तो बहुत खुजली थी कि मैं ऐसा कोई रोल करूं जिसमें यू नो एक लाइक रेगुलर कुर्ता पहनती हुई और वैसी लड़की जो दिल्ली की लाजपत नगर की है, तो मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग पॉइंट था और उस पर वर्क भी करना, क्योंकि सांझ का कैरेक्टर इज नॉट लाइक सोनाली एट ऑल, सो आई हैड टू वर्क अ लॉट ऑन इट. एंजॉय, अरे एवरी बहुत डे एवरी सेकेंड एवरी मिनट इट वॉज लाफ्टर राइट. मतलब क्या होता है, काफ़ी जगह आप फंबल करते हो और काफ़ी जगह आपको सीन्स भी मतलब इतने प्यारे और मज़ेदार हैं कि फैमिलीज आ जाती है, सो यू एंजॉय द मोमेंट एंड व्हेन यू नो ईच अदर यू नो क्या होने वाला है सेट पे. पर ये ज़रूर है कि सोनाली का ये डायलेक्ट था, आई थिंक ये काफ़ी अलग है और बीन पंजाबी ऑल्सो लाइक शी नोज, बट वो एक बड़ा ये देसी सा है तो वो अच्छा सा क्रैक हुआ है. और ओवरऑल एवरीबडी इन द फिल्म, द केमिस्ट्री विद द फादर राजेंद्र सेठी एंड वीर हु इज प्लेइंग माय ब्रदर, सो एवरी वन एज दे कम अप विद सच गुड इम्प्रोवाइजेशन. आई कैन टेल यू लाइक ऑन द सेट वी जस्ट सरप्राइज लाइक वाओ व्हाट अ सीन यार, इट्स गोइंग सो गुड. सो हर एक इंसान अपना एक इनपुट देता है, रिसेप्टिव होता है, प्लस यू देयर फॉर द क्यूज, यू नो यू आर लाइक अ फैमिली एंड नवजोत स्पेशली हु इज सो गुड इन राइटिंग एंड इवन डायरेक्शन. तो जब वो बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा ये डाल दो, तो बेसिकली लोग खाना बनाते हैं फिर वो तड़का वही डालते हैं. बहुत कुछ करने से रोका है कि ये मत कर ये मत कर, सो रियल लाइफ में आपकी मम्मियों ने कितना कुछ मतलब करने से क्या कुछ रोका है ये जानना चाहूंगी, रियल कुछ लाइफ करने से में पहले. क्या हाँ या क्या करने से पहले इसकी लाइफ, इसकी लाइफ की इसने मुझे पता है इसकी बड़ी लंबी लिस्ट है, बिकॉज़ आई मेरी थिंक बहुत लंबी लिस्ट ही वाज है अ वेरी नॉटी, आई मस्ट टेल यू, बहुत नॉटी यार. रहा मेरे को है. इंजेक्शन लगता था, ये तो नया नया ही चीजें बता दे यार, तो मैं उसे डरता था, तो मेरे को बोले थे जा देखो तू बीमार हो जाएगा, तो मैं जाता था, किसी को बताता नहीं था, भाग के पूरी बिल्डिंग की टैंकी होती है उस पर बैठा हुआ, शाम होगी सब ढूंढ रहे और बाद में ऊपर से हाई कर रहा हूँ, फिर कभी गाड़ी के नीचे छुपा हुआ हूँ, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने बहुत की है. फिर किसी को मैंने बोला कि तो एक काम कर, ये जो एक WWE की बेल्ट आती है ये सब आता है, या कुछ भी हो, मैं किसी को भी कुछ भी काम करवा देता था कि तू जा, और जो ऊपर फ्रिज होता ना, फ्रिज के ऊपर पैसे रखे होते ले आ वो ले आते थे, तो वहाँ लगे सब कुछ लेके बैठे हुए, वहाँ उसकी मम्मी आ रही है मेरी तरफ गुस्से में देख के, तो ये सब और मतलब बहुत कुछ. कॉलेज में स्कूल में कंप्लेंट्स होती थी कि ये पढ़ता नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है, वही है मतलब यही सब सारी चीज़ें करी है. CR बन गया, मुझे भी नहीं पता मैं कब बन गया, खड़ा कर दिया भाई तुम CR हो, सीआरओ मतलब मतलब CR क्लास जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव. का क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है, अच्छा बना ओ दिया मैंने, मेरे इतने मार्क्स, प्रीफेक्ट काइंड ऑफ. तो मेरे हाँ इतने मार्क्स भी नहीं आते, बना दिया तो मैंने बोला भाई जाओ जियो अपनी जिंदगी जिसको जाना जाओ, तो दिस काइंड ऑफ गाय. मेरा तो मतलब जब मैं ये सब सुनती हूँ, मतलब मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है. आई हैव ऑलवेज बीन, और मैं अभी भी, मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की थी, मेरी कभी ऐसे नहीं हुए कि आई हैव टू गो अगेंस्ट माई मदर और एनी थिंग. इसलिए मुझे सांझ की जो मेरा कैरेक्टर है उसमें इसीलिए आई कीप सेइंग कि बहुत डिफरेंट है, बिकॉज वो अपनी मम्मी से लड़ती भी है, रिस्पेक्ट भी करती है, और वो करते हुए शी ट्राइज टू गो आउट ऑफ द वे टू गेट पुनीत यू नो एंड विन एंड गो अगेंस्ट हर, एंड मतलब वो सारा जो एक फायरीपन सांझ में है वो सोनाली नेवर हैड टू गो अगेंस्ट. इट्स लाइक मतलब मैं तो ऐसे ही इनोसेंट थी, आई थिंक मेरा पहला जो क्रश था क्लास 8 में, मैंने सीधा सबसे पहले आके कोई अपनी फ्रेंड को नहीं, कुछ होते हैं ना फ्रेंड्स दे डिस्कस अमंग देमसेल्व्स एंड दे चिढ़ाते हैं, कुछ भी नहीं, सीधा आके सबसे पहले मम्मा को, मम्मा मुझे एक क्रश है इस लड़के पे, एंड देन शी सैट मी डाउन और इतने अच्छे से उन्होंने समझाया. सो आई हैव ऑलवेज, वेदर इट्स माई फर्स्ट बॉयफ्रेंड और फर्स्ट टाइम इफ आई वेंट टू पार्टी, मैं मम्मा को साथ में लेके बोली, मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छी बच्ची थी और क्या हूँ, बात. देख लो मम्मा, मैं आई एम लाइक द एपिटमी ऑफ अ गुड डॉटर. बट ये भी है कि अभी भी वेल ऑन द सेट आल्सो प्रैंक से हटती नहीं है, कभी भूत बन के डरा रहे हैं किसी को, कभी कुछ, कभी मैं इसे बहुत झूठ बोलता हूँ सेट पे, ये नहीं ऐसा नहीं ऐसा, हाँ, एकदम हाँ मैं सीरियसली बात बिलीव भी दिए कर लेती फिर ये हूँ. पीछे देखती है मेरी तरफ गुस्से में, तो ये हम करते हैं, ये सब चीज़ें जाती नहीं. जैसे इस फिल्म में आप दोनों की मम्मियों का मतलब रियल लाइफ में क्या कुछ अलग है आप दोनों की मम्मी, जैसे आपकी फिल्म में आपकी मम्मी है, सो रियल लाइफ में क्या आई कुछ थिंक डिफरेंस है या फिर सिमिलर है? ये वाले जो ट्रेट हैं कि जो
पंजाबी है तो, और नॉर्थ इंडियन जो फ्लेवर होता है, और जो जिंदगी इस पिक्चर में दिखाई गई है, जो अपने जो मम्मियों का कैरेक्टर है या वो एक वेडिंग वाला सीन है, ये सब देखा है मेरी मॉम ने। एंड प्लस शी वही है कि पंजाबी मॉम में तो लाउड होंगी तो वो तो है ही। तो बस फनी साइड है, मतलब इमोशनल साइड है कि यू नो आप कुछ भी थक पक के आ रहे हो, शी इज द ओनली वन, शी टायर्ड, शी इज टायर्ड, शी विल नेवर से दैट, बट वो आपके पास आके बैठती हैं, बिना बोले सारी चीज़ें समझ जाती हैं, वो सारी चीज़ें सिमिलर हैं। मेरी मम्मा खुद दिल्ली से है, मतलब मैं यू नो शी इज़ अ पंजाबी, सो वो एक कैरेक्टरिस्टिक जो पूनम जी और उनका वो है बोल चाल कपड़े पहनने का, इनफैक्ट ट्रेलर में उन्होंने एक दुपट्टा पहना जो सेम मेरी मम्मा के पास है, तो मम्मा का देख के कॉल आया मुझे, कहती है कि अरे वो तूने दुपट्टा देखा मेरे पास सेम वो फुलकारी का दुपट्टा है। आई एम लाइक हाँ इट्स रील फुल, रील मॉम को दे आई दिया। थिंक इट्स फुलकारी ब्रो, आई मीन हाउ डिफरेंट कैन इट बी। सो वो एक सिमिलैरिटी है, बट ज़्यादा कुछ इतना है नहीं बिकॉज हमारी इक्वेशन बहुत अलग है। लेकिन एक बहुत ही फनी डायलॉग है फिल्म में, मैं एग्जैक्टली डायलॉग नहीं बताऊंगी मज़ा चला जाएगा, बट समथिंग अबाउट कि वो मतलब पूनम जी प्रोटेक्ट करती है मुझे क्योंकि बेटी पे कोई उन पे कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगाता है कि उसके बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं वगैरह। तो ये मेरी मम्मा के साथ हुआ है रियल लाइफ में और जब मत मैं बताना छोटी थी। बस। हाँ और नहीं बताऊंगी, आई नो आई नो आई नो, ये हमेशा डर जाते हैं कि ये अभी कुछ तो बोल देगी ऐसे स्टोरी करते का। करते हर वीडियो में कुछ होगा, सब जोड़ेंगे, पिक्चर बना देंगे। नो, तो ऐसा रियल लाइफ में हुआ था मेरी मम्मा के साथ, किसी ने बोल दिया था कि अरे सोनाली को तो हमने मतलब यहाँ देखा है वगैरह, जबकि देर वॉज नो ट्रूथ टू इट एंड मम्मा को सब पता होता था। सो शी इज़ वेरी प्रोटेक्टिव, मम्मा इज लाइक ना एक नहीं चारों के साथ देखा होगा, चार लड़के उसके फ्रेंड्स हैं ठीक है जो शट अप। सो दैट इज द ओनली सिमिलैरिटी, वो एक प्रोटेक्टिवनेस एक डॉटर्स को लेके जो मदर्स की होती है ना, आई थिंक वो बहुत ही स्पेशल होती है। अरे वो ही मैंने अभी आपने सेम क्वेश्चन पूछ लिया वापस कि बहुत ही अच्छा था, बट दोनों मैम में एक चीज़ है, बहुत डिसिप्लिन है एक्टिंग को लेके, विद टाइमिंग ऑफ कमिंग ऑन द सेट और वट एवर इट इज, दे आर ऑलवेज वेरी यू नो दे स्माइलिंग एंड इंजॉइंग द मोमेंट। बट ऐसा भी एक टाइम है जब वो एक देर इज अ किडिश साइड कि वो एकदम से बच्चे से बन जाते हैं एंड दैट इज़ वेरी क्यूट। सो बेसिकली वही मैंने आपको पहले बताया था कि वो हम उम्र लगते हैं, ऐसे नहीं लगता वो एक बैगेज नहीं है कि यू नो स्टार्स ये वो, लगता है कि हाँ इट्स लाइक अ फैमिली, यू कैन टॉक टू देम अबाउट एनी थिंग, दे आर वेरी चिल्ड अबाउट इट एंड अबाउट ईटिंग टूगेदर। तेरे फर टूट गया, सॉरी मेरे फेदर्स टूट उड़ेगी कैसे रहे। अब यही है, तो बस ये उड़ती रहती है और आंसर जो है इधर उधर चलते रहते हैं। तो बस अब आप सोनाली से पूछो, आपने तो बोल दिया तो ऐसे इसकी बोलती बंद हो जाती है। अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग एक्सपीरियंस, बोथ ऑफ देम आर सुपर्ब एक्टर्स। एंड आई ऑलवेज हैड अ थोड़ा सा बिफोर शूट करने के पहले, मेरी पहली रीडिंग थी पूनम जी के घर पे सीधा, मैं पहली पहली बार पहली बार उनको मैं मिली थी। एंड तब से मैं थोड़ा सा ना ऐसे कंट्रोल ऑन गार्ड थी कि पता तब से नहीं डर गई थी रिश्ता हाँ क्या नहीं हाँ कुछ कि नहीं ये मम्मी मेरी होने कड़क होने वाली, बट वो इतनी स्वीट है कि वो कड़क वाली फीलिंग भी नहीं आई कि मुझे जेन्युइनली डरना है। बट बहुत शी मेड अ लॉट ऑफ शी मेड श्योर कि हम एकदम कंफर्टेबल हो जाए बिकॉज वो बहुत ज़रूरी भी था हमारी इक्वेशन के लिए। सो इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद हर, मतलब यू नो फ्रॉम गिविंग मी पॉइंटर्स टू कि उनके ज़माने में एक्ट्रेसेस कैसी होती थी और अभी कैसी हैं, और अगर मेरी कभी लाइट कट रही है तो मतलब वो लिटरली शॉर्टकट करके कि बेटा तुम्हारी कौन एक्ट कौन ये ऐसा करेगा कि दूसरे के लिए, मुझे अपनी नहीं पता चलता लाइट कट रही है मेरी, उन्होंने मतलब मेरा भी देख लिया। सो ऑल दैट वॉज अमेजिंग एंड सुप्रिया मैम वॉज अ ट्रीट टू लाइक वॉच एंड ट्रीट टू वर्क विद। उनके साथ मेरा रिलेशनशिप थोड़ा फॉर्मल ही था बिकॉज वो ज़रूरत भी थी फिल्म की, बिकॉज हमारा रिलेशन फिल्म में ऐसा है, बट ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एक्ट्रेसेस। एक्चुअली फॉर्मल नहीं था, रिलेशन बनाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि शी वाज इनग्रॉस इन पूनम जी। मेरा सीन भी उनके साथ थे ज़्यादा, तो मैं क्या करूँ। Impossible 4 आ रही है, there are films obviously which is coming, so I'm going to be doing अगर that वो opposite announce him. हाँ announce हो जाता तो मैं please मैं जरूर बताता, but अब नहीं बता सकते। MI4 with सनी और सोनाली। And lastly audience को क्या message देना चाहोगे जय माता दी फिल्म को लेकर?
ऑडियंस यही कहूँगा लो, आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्वीट हैं। मैं हमेशा कमेंट्स और आपके इंस्टाग्राम और सब जगह लाइक्स करता हूँ जो भी आप कमेंट करते हो। तो आई नो यू गाइज आर वेरी कनेक्टेड, आई सी ऑल द मैसेजेस। ऐसा नहीं है कोई मैसेज नहीं करता, पर यू हैव गिवन अ लॉट ऑफ लव टू अस हमारी पहली पिक्चरों में। इस बार भी अपनी मम्मियों को लेके आए, पापा को स्पेशली लेके आना और मेरे खानदान को लेके आना। डू वॉच द फिल्म ऑन 17 जन। थैंक यू। थैंक यू। अरे